तो अगर आप बोलोगे कि पूरे माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक ही हीरोबैन है तो फिर आप गलत होगे, क्योंकि हमारे एक हीरोबैन के एक नहीं काफी सारे वेरिएंट्स भी होते हैं और इनमें से कुछ वेरिएंट्स को रियल लाइफ में भी देखा गया है। सो यार, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है काफी सारे हीरोबैन वेरिएंट्स की रियल लाइफ इमेज दिखाने वाला हूं, जो आपने आज से पहले कहीं पे भी नहीं देखी होंगी। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूं माइनक्राफ्ट के सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट हीरोबैन की रियल लाइफ इमेज, एंड साथ ही में एक मिस्ट्री हीरोबैन भी होगा जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। एंड या इन सारे हीरोबैन की रियल लाइफ इमेजेस देखने के बाद आप सबका मन खुला का खुला रह जाएगा। एंड या अगर इस वीडियो पे जो है 5K लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 तो बनाऊंगा ही, लेकिन साथ ही साथ एंटिटी 303 और नल की भी रियल लाइफ इमेजेस लेके आऊंगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर मेरे इन प्यारे व्यूअर्स की तरह अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए अगले वीडियो में तो फिर अभी कभी लिख देना कमेंट के अंदर पैरेलल ओपी, एंड आपको भी अगले वीडियो में शाउट आउट मिल सकता है, नहीं तो हार्ट तो मिल जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। एंड या अब इसी के साथ बिना किसी देर के आज की वीडियो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग हमारे इमेज वाले सेक्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे 10 हीरोबैन की इमेजेस लगी हुई हैं। पहले तो आता हमारा नॉर्मल वाला हीरोबैन, उसके बाद आने वाला हमारा हिमलैंड हीरोबैन, उसके बाद आने वाला हमारा क्रीपी हीरोबैन, उसके बाद हमारा नेदर ब्रैन, उसके बाद एंडर ब्रैन, एंड या उसके बाद हमारा शैडो ब्रैन, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। एंड या उसके बाद आने वाला हमारा डायमंड हीरोबैन, फिर हमारा ट्रू हीरोबैन, उसके बाद हमारा गॉड हीरोबैन, एंड उसके बाद हमारा डेविल हीरोबैन। एंड या आज की हमारी मिस्ट्री में जो होने वाली हमारी ओमनीपोटेंट हीरोबैन की, जो कि हमारे अब तक के हीरोबैन में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीरोबैन है। तो आज की डेट हम लोग जो है बारी बारी करके इन सब की इमेज अनलॉक करने वाले हैं। तो बेसिकली होने के वाला है, यहाँ पे सारी इमेजेस के आगे साइन बोर्ड लगे हैं जिसके ऊपर किसी न किसी आइटम का नाम लिखा हुआ है। अब मैं जाऊंगा इस वर्ल्ड के अंदर कहीं से भी वो आइटम ढूंढ के लाऊंगा और इस हॉपर के अंदर डालूंगा, और तभी ये जो इमेज है ना वो रियल लाइफ की इमेज बन जाएगी। तो यार, यही आज की वीडियो कॉन्सेप्ट। बाकी मेरे पीछे पंख क्यों निकल रखे हैं भाई। एंड या चलो अब इसी के साथ आज की वीडियो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हमारे सबसे पहले नॉर्मल हीरोबैन की इमेज अनलॉक करने के लिए हमें लगेगा बिसेंटो, जो कि एक बहुत ही जरा अजीब सा कोई वेपन होता है, और इसे पाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा व्हाइट बियर्ड की शिप के ऊपर और उसे हराना पड़ेगा। और तो जल्दी यहाँ से चलते हैं क्योंकि व्हाइट बियर्ड की शिप जो है बहुत ही ज्यादा पास ही में हमारे। और हाँ, एक और बात, हम जितनी ज्यादा इमेजेस को अनलॉक करेंगे हमारी उतनी ज्यादा पावर्स भी अनलॉक होती जाएंगी। ऑलराइटी, तो हम लोग जो है व्हाइट बियर्ड के बहुत ज्यादा पास हैं क्योंकि मेरे को उसका बॉस मीटर दिख रहा है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने हमारी स्पेशल स्प्लिट सोल कटाना भी पकड़ ली है, एंड ये जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्ड है। तो अभी मैं जल्दी से यहाँ पे आता हूँ व्हाइट बियर्ड के पास में। ओके, तो यहीं पे, एंड तुम लोग देख सकते हो ये कितना ज्यादा बड़ा है। ये मेरा स्पीड अटैक, एंड ऑल राइट, तो इसकी हेल्थ मैंने थोड़ी बहुत ले ली यहाँ पर। अब इसके ऊपर मेरे को नॉर्मल ऐसे अटैक करने हैं। ओके, मेरे जंप भी बहुत ज्यादा हाई है। एंड ऑल राइट, ये ले, एक नॉकबैक अटैक भी मारते हैं इसके ऊपर, लेकिन इस पर तो ज्यादा नॉकबैक का असर नहीं हो रहा। एक और नॉकबैक अटैक, और ये ले मेरे कंटिन्यूस अटैक्स। एंड ओके, इसकी मैंने काफी ज्यादा हेल्थ ले ली है, बस ये थोड़ी सी हेल्थ बची है इसकी। एंड ये ले मेरा स्पीड अटैक। ओके, बस एक हिट एंड खत्म। और तुम लोग देख सकते हो हमने हमारे व्हाइट बियर्ड को जो है डिफीट कर दिया है, एंड इसने यहाँ पे ड्रॉप कर दी है अपनी बिसेंटो। तो इसे मैं जल्दी से यहाँ पे लेके जाता हूँ, इस पर राइट क्लिक करना बस मेरे को, और ये मेरे हाथ में आ चुकी है हमारी छोटी सी बिसेंटो। तो इसे मैं जल्दी से हॉपर में डालता हूँ, एंड देखते हैं कि आखिर हमारा नॉर्मल हीरोबैन रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ओके, तो हम पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे, इसके अंदर मैंने डाली हमें बिसेंटो, एंड अब देखना है कि आखिर हमारा रियल लाइफ का हीरोबैन कैसा दिखता है। ऑलराइटी, तो ये देखो भाई, हमारा रियल लाइफ का हीरोबैन कितना ज्यादा खतरनाक दिखता है। एंड या इसके दांत भी बहुत ज्यादा शार्प है। तो या इस वाली इमेज को मैंने पहले अपने थंबनेल में भी यूज किया था, तुम लोगों ने देख लिया होगा, नोटिस कर लिया होगा, लेकिन आगे जो है हमारे जितने भी हीरोबैन आने वाले उनकी तुम लोगों ने कभी स्किन देखी ही नहीं होगी। सो यार, अब हम लोग जो है मूव ऑन करते हैं हमारे हिमलैंड हीरोबैन की तरफ, एंड इसके लिए मेरे को लगेगा हमारी एस स्वॉर्ड। एंड अब एस स्वॉर्ड एक बहुत ही बड़ी पायरेट के पास में है जिसका नाम है पायरेट किंग गोल्ड रॉजर। तो अभी मेरे को जाना पड़ेगा सीस के अंदर उसे हराने के लिए। तो चलो जल्दी चलते हैं। एंड अब मेरे पास हमारे नॉर्मल हीरोबैन की थोड़ी बहुत पावर्स भी आ गई होंगी। ऑलराइट, तो हम लोग हैं बिल्कुल ओशन के बीच में, एंड यहाँ पर मेरे को दिख रही है हमारे काइडो की शिप। तो ओके, मैं उसके पास जाता हूँ बिल्कुल। ओके, अब बस मेरे को यहाँ पे शिप के अंदर गलती से घुसना है थोड़ा सा। ओके, अब मैं यहाँ पे अपनी डबल जंप का यूज करता हूँ। ओ नो, ये क्या चीज है। ओ नो, जल्दी से बोट के ऊपर चढ़ता हूँ मैं। एंड यहाँ पर एक सी मॉन्स्टर था जो कि मेरे पीछे आ रहा था, मैं यहाँ पे जस्ट बचा हूँ अभी। एक काम करता हूँ, मैं जो है हमारी नई स्वॉर्ड अक्वायर कर लेता हूँ जो कि मुझे नॉर्मल हीरोबैन से मिली है। एंड मैं जल्दी से यहाँ पे एयर में जंप मारता हूँ, एंड यहाँ पर देखता हूँ मेरे को काइडो कहीं पे दिख रहा है या फिर नहीं। वेल, यहाँ पे काइडो तो कहीं पे भी है ही नहीं। वैसे ये दिखने में तो काइडो की शिप लग रही है, लेकिन उसकी है नहीं क्या। ओह, कहीं ये तो काइडो नहीं है। ओके, इधर ही आ रहा है, एंड ये इस शिप का कैप्टन। तो इसे मैं जल्दी से मारता हूँ यहाँ पर हमें फ्लेमिंग स्वॉर्ड का यूज करके। ओ नो, ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा छुपके रहता हूँ। एंड वैसे इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो फिर मैं आराम से यहाँ पे इसके सामने छुप सकता हूँ। ओके, ये ले, एंड इसका डैमेज बहुत ज्यादा है। ओके, अब टाइम है इससे पूरा फुल ऑन लड़ने का। ओके, इसकी शिप पे मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। एंड ये ले मेरे कंटिन्यूस अटैक्स। एंड ओके, इसके ऊपर थोड़ा बहुत असर हुआ हुआ इनका। ओके, ये ले मेरा स्पीड अटैक। एंड ऑलराइट, तो इसे मैं इसी की शिप से निकाल देता हूँ। ये ले, ओ नो, ये वापस आ गया। तो मैं जितना सोच रहा था लास्ट वाले की तरह ही उतना वीक तो नहीं है, लेकिन ओके, इसे जल्दी मेरे को हराना पड़ेगा यहाँ पर। वेल, अच्छा हुआ मेरे पास नॉर्मल हीरोबैन की पावर है, तो मेरे को अगर डैमेज पहुंच भी रहा है तो मैं बहुत जल्दी इसे रीजनरेट कर ले रहा हूँ। ये ले कंटिन्यूस अटैक मेरा, लेट्स गो। ओके, तो अब क्योंकि यहाँ पे रात हो रही है तो मैं अपनी फुल पावर एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पर। एंड यार, मेरे को और ज्यादा क्लियरली दिख रहा है सब कुछ। एंड अब मेरे जो है अटैक स्पीड भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। तो ओके, इसे मैं जल्दी से यहाँ पे नीचे उतार देता हूँ, लेकिन बार बार चढ़ के आ जाता हूँ ऊपर। वो ये क्या था,
आई डोंट नो इसने कुछ तो अटैक किया यहाँ पर जिसकी वजह से मैं यहाँ पर उड़ के आ गया, लेकिन कोई ना मैं दोबारा से इसकी शिप के ऊपर जा सकता हूँ किसी भी टाइम। एंड ये ले, ओके नाइस। एंड ये अब ये पानी में डूबता जाएगा क्योंकि इसे तैरना नहीं आता है। बट हाँ, मेरे को इसकी स्वॉर्ड भी तो चाहिए। ये ले, ओके मैं अंडर वाटर से लड़ रहा हूँ, नाइस। ओके तो सब अंडर वाटर थोड़ा बहुत डैमेज भी मिल रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, यही हमारा चांस है। इसके बाद जाते हैं एंड ये ले, ओके तो एक सी ड्रैगन बन चुका है, अब ये पानी के अंदर भी लड़ सकता है, तो इससे पहले कोई अटैक करे मैं इस पर जल्दी जाके। ये ले, ऑलराइट, इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है एंड मैंने इसे फाइनली मार दिया, लेट्स गो। ओके मेरी भी एयर खत्म हो रही है, मैं जल्दी ऊपर आता हूँ सरफेस के ऊपर। ओके फाइट अच्छी थी, मतलब इतनी बुरी नहीं थी। एंड यार अब मेरे हाथ में आ चुकी है एस स्वॉर्ड, तो ये देखो इस वाली स्वॉर्ड का नाम है एस। अब इसे मैं जल्दी से डालूंगा हॉपर के अंदर, तो हमें दिख जाएगी हमारे हिमलैंड सीरो बैंक के रियल लाइफ इमेज। ओके तो ये रही हमें बोट, हम जल्दी से इसमें बैठते हैं एंड जाते हैं दोबारा से वापस हमारे। ये क्या था? ओके तो मैं समझ गया, इस स्वॉर्ड के अंदर कुछ ना कुछ पावर है, तो ये स्वॉर्ड की पावर भी हमारे आगे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, तो हमें जल्दी से पहुंचना पड़ेगा हमारे इमेजेस के पास में। ओके तो अब हम जल्दी से अपनी स्वॉर्ड यहाँ पर डाल लेते हैं एंड अब देखते हैं कि आखिर हमारे हिमलैंड जीरो ब्रांड रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ओके तो ये रही इमेज हमारे रियल लाइफ हिमलैंड जीरो ब्रांड की, एंड देखो ये कितनी ज्यादा क्रीपी इमेज है। एंड यार जैसे इन दोनों इमेज के अंदर डिफरेंस है, वैसे हर इमेज के अंदर भी डिफरेंस होने वाला है। तो एनीवेज मूविंग ऑन, अब हम देखने वाले हमारे क्रीपी हीरो ब्रांड की रियल लाइफ इमेज कैसी लगती है एंड इसके लिए हमें लगेगी एस हैट। तो यहाँ पे एस स्वॉर्ड लगी थी, लेकिन अब मेरे को लगेगी एस हैट, तो मैं जल्दी से वो लेने चलता हूँ यहाँ पर। ऑलराइट तो मैं आ चुका हूँ एस के विलेज के बहुत ज्यादा पास, तो मेरे को एस नाम के एक बंदे को हराना पड़ेगा जो कि यहीं कहीं पे हमें मिलने वाला है। ओ ओके ये रहा एस हमारा एंड ये हमारे पास ही आ रहा है। ओके लेट्स गो। तो यार मेरे पास, अब मैं देखता हूँ हिमलैंड जीरो बैंक की हमारे पास कौन सी पावर आई है। तो पहली चीज है मेरे पास स्लाइसिंग एग्जॉर्सिज्म, ओके इसे मैं यूज करता हूँ एक बार। एंड वो ओके ये वाला अटैक काफी ज्यादा अमेजिंग था। ओके तो मैं अपने ही ब्लड को यूज कर सकता हूँ यहाँ पर। ऑलराइट और इस एस के पास में फायर टाइप की पावर्स हैं। ओके तो इसकी पावर्स भी बहुत ज्यादा कमाल की हैं। ओके तो इसके पास में आता हूँ एंड ये ले मेरा पियर्सिंग ब्लड एंड एक ही अटैक के अंदर ही गया। तो यार ये थी पावर हमारे हिमलैंड जीरो ब्रांड की। और बाकी एक विलेजर इसे मैं मार के देखता हूँ यहाँ पर। एंड या इसे मैंने बहुत ज़्यादा इजीली मार दिया। एंड ये रही हमारी एस की हेड, तो इसे मैं लेके जल्दी चलता हूँ घर पे एंड देखते हैं आखिर हमारा क्रीपी हीरो बैन रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ओके सो वी आर बैक, अभी जल्दी से हम इसके हॉपर के अंदर डालते हैं एस की हेड एंड ओके अंदर चली गई ना, नाइस। एंड अब देखते हैं हमारे क्रीपी हीरो बैन रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ओके तो ये रही इमेज हमारी क्रीपी हीरो बैन की एंड देखो भाई ये तो जंगलों के अंदर है। एंड या ऐसा अगर तुम लोगों ने कुछ भी देखा अगर जंगल के अंदर, तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा मेरे को बताना कमेंट के अंदर। एंड बाकी जो भी कहो, ये इमेज बहुत ज़्यादा अच्छी है और काफी ज़्यादा क्रीपी भी है। बट एनीवेज मूविंग ऑन टू हमारे नेदर ब्रांड के ऊपर एंड इसके लिए मेरे को लगेगा नेदर्स करेज। अब ये क्या चीज है तो मेरे को भी नहीं पता है, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोरिंग करता हूँ एंड इस वाले आइटम को कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाता हूँ। ओके तो मेरे को भी पता चला कि हमें नेदर्स करेज हमारा सिर्फ और सिर्फ नेदर के अंदर मिलने वाला है, लेकिन लास्ट मैंने जो एज से बैटल की थी अब उसके बाद मेरे को फायर अटैक्स भी अनलॉक कर लिए हैं, तो मैं चाहूँ तो इस विलेजर को बिना छुए यहाँ से दूर से मार सकता हूँ। ओके तो यहाँ पे मैं करता हूँ अपना बर्न आउट अटैक एंड या मैंने इसे बिना छुए मार दिया। एंड इतना ही नहीं, मैं यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना सकता हूँ बिना ऑब्सीडियन या कुछ और फ्लिंट एंड स्टील कलेक्ट किए। एंड ये देखो हमारा नेदर पोर्टल बन चुका है एंड ओके बन चुका है कम्प्लीटली। ओके तो हम लोग आ चुके हैं हमारे नेदर के अंदर, अब हम लोग को बस यहाँ पे एक फोर्ट्रेस ढूंढनी है और वहाँ पर हमें ऑटोमेटिकली नेदर स्टोरेज भी मिल जाएंगे, क्योंकि काफी अजीब से दिखने वाले बॉसेस होते हैं। एंड ये क्या चीज़ है? ओके यहाँ पर कुछ अजीब सी भी चीजें आ रखी हैं नेदर के अंदर, नेदर बदल चुका है शायद हमारा थोड़ा सा। एंड ये सब नेदर के अंदर मिलते थे क्या पहले? मुझे नहीं लगता। ओके सो वी आर बैक इन द नेदर एंड यहाँ पे मेरे को नेदर स्टोरेज बीस्ट को ढूंढना है एंड यहाँ पे मेरे को दोनों के दोनों मिल चुके हैं। ओके तो ये दोनों इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो मैं काम होता है उनके पास सबसे बर्न आउट करके देखता हूँ। एंड या ये लोग सर्वाइव कर लिए, मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये दोनों। ओके ये मेरे ऊपर पता नहीं कौन से अजीब से टेंटिकल से अटैक कर रहे हैं। ओके इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा क्योंकि ये मेरी एक्चुअली में हेल्थ बहुत ज्यादा खा रहे हैं। यहाँ पे करता हूँ बर्न आउट अटैक एंड ओके एक को तो मैंने मार दिया, लेकिन एक वो वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो अभी भी बचा हुआ है। ओके ये मेरे एम्बर इंसेक्ट्स एंड ओके इसके ऊपर अभी भी कुछ असर नहीं हुआ एंड मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा जा रही है, लेकिन कोई नहीं मैंने कभी भी रीजनरेट कर सकता हूँ। ओके तो यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा अजीब सी सिचुएशन है, मैं नहीं चाहता ये जो है नीचे गिर जाए, नहीं तो इसका जो नेदर स्टोरेज भी हमें मिलने वाला है वो भी चला जाएगा इसी के साथ ही। ओके ये ले और बर्न आउट, तो मैं काम करता हूँ इसकी इवेंचुअली जितनी भी हेल्थ हो सकती है उतनी लेने की कोशिश करता हूँ मैं। ये ले एंड ऑलराइट आई थिंक ये मर चुका है फाइनली, नाइस। भाई हीरो बैंक की पावर तो कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है। एंड ये हमारा पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारे नेदर स्टोरेज, तो इसे मैं जल्दी से उठा लेता हूँ यहाँ पर। एंड अब इसे लेके हमें जाना है वापस से हमारे इमेजेस के सेक्शन के अंदर एंड तब हम लोग देख पाएंगे आखिर हमारे नेदर ब्रांड रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ओके सो वी आर बैक, अब इसके अंदर जल्दी से मैं डालता हूँ हमारे नेदर स्टोरेज एंड अब हम लोग को देखना है आखिर हमारे नेदर ब्रांड रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ऑलराइट तो ये रही हमारे नेदर ब्रांड की रियल लाइफ इमेज एंड तुम लोग देख सकते हो कि आखिर हमारे नेदर ब्रांड रियल लाइफ में कैसा दिखता है। एंड ये जैसा माइनक्राफ्ट में लगता है इसकी स्किन भी बिल्कुल वैसी लग रही है
रियल लाइफ के अंदर। तो इस वाली स्किन को मैं रेटिंग दूंगा 7 out of 10। ओके, बहुत बढ़िया स्किन है। बट अभी हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि अभी भी हमारे पास आधे से ज्यादा हीरो ब्रांड की इमेजेस बच रखी है अनलॉक करने को। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एंडर ब्रांड के साथ में, जिसके लिए मेरे को लगेगा एंटर गॉन्टलेट। ऑलराइट, तो अब नेदर ब्रांड की इमेज अनलॉक करने के बाद मैंने बहुत सारी और नई नई पावर्स अनलॉक कर ली है, और जिनमें से एक आती है हमारे एंड पोर्टल को समन करने की। तो अब मेरे को अगर वॉइड गॉन्टलेट चाहिए तो फिर मेरे को जल्दी से एंड में जाना पड़ेगा, एंड वो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ क्योंकि मैं जब चाहूँ वहां पर या बिल्कुल ऐसे एक एंड पोर्टल निकाल सकता हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से हमें एंड के अंदर अगर हम जाएंगे तो फिर अभी मेरे को एंडर ड्रैगन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस वर्ल्ड के अंदर बहुत टाइम से खेल रहा हूँ। एंड या अब मुझे लगता है एंडर ड्रैगन की जगह किसी और ने ले ली होगी, तो चलो अंदर जाके देखते हैं। ओके, तो अब हम लोग आ चुके हैं एंड के अंदर, एंड अब हम लोग को जल्दी से यहाँ पर हमारे इन सारे नए क्रिएचर्स को हराना पड़ेगा। एंड या ये बहुत ज्यादा मुश्किल है इन्हें हराना, एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैटरपिलर भी है। ओके, मेरे को इन्हें जल्दी से हराना पड़ेगा यहाँ पर। ये लो मेरे ग्रेनाइट ब्लास्ट्स, एंड ओके इन्हें तो मैं बहुत ज्यादा इजीली मार दिया। ओके, ये कौन सा क्रीचर आ रहा है मेरे पास में, एंड ये ले। ओके, इसे भी मैंने बहुत ज्यादा इजीली मार दिया, एंड ये ले। नाइस, ओके ये लो कंटिन्यूस मेरे पंचेस, एंड लेट्स गो। ऑलराइट, तो ये जो बड़े बड़े कैटरपिलर्स हैं यही समन कर रहे हैं इन सारे क्रीचर्स को, तो इन्हें मेरे को सबसे पहले मारना पड़ेगा। ऑलराइट, नाइस। ओके, ये लो मेरे लाइटनिंग स्ट्राइक, एंड या इनके ऊपर थोड़ा बहुत इससे असर हो रहा है लाइटनिंग स्ट्राइक। ओके, ये लो मेरा लाइटनिंग स्ट्राइक दोबारा से, एंड या मैंने एक कैटरपिलर को तो मार दिया यहाँ पर। नाइस, ओके बस एक ही वाला बचा है, एंड इसे तो मैं मार ही सकता हूँ इजिली। एंड ये अपने सेकंड स्टेज के अंदर आ गया। व्हाट, ये ले लाइटनिंग स्ट्राइक, एंड नाइस। व्हाट, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ओके, आई थिंक मैंने इसे फाइनली हरा दिया। एंड ये कौन सा क्रीचर है, नाइस इसे मैंने मार दिया। एंड यहाँ पे इसने दो दो चीजें ड्रॉप की हैं, जिसमें से एक मेरे को लग रहा है कि एक हमारा गॉन्टलेट है, तो इसे जल्दी से मैं उठा लेता हूँ। एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पे हमारा पोर्टल भी खुला हुआ है, तो इसे जल्दी से लेके मैं निकलता हूँ। एंड इस वाले क्रीचर को मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ क्योंकि ये कुछ कर नहीं रहा है। तो ओके, चलो जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। ओके, तो हम लोग वापस आ चुके हैं, एंड इसके अंदर मैं डालता हूँ हमारा एंडर गॉन्टलेट, एंड अब देखते हैं आखिर हमारा एंडर ब्रायन रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ओके, तो ये इमेज हमारे रियल लाइफ के एंडर ब्रायन की, एंड देखो भाई सबसे ज्यादा रियल लाइफ वाली इमेज लग रही है, मतलब बाकी सब भी लग रही है लेकिन ये वाली सबसे ज्यादा ओरिजिनल लग रही है। एंड या तुम लोग देख सकते हो इसकी एक आग व्हाइट है, एंड एक आग जो है एंडरमैन जैसी है, एंड इसके दांत भी काफी ज्यादा शार्प है। तो ये वाली इमेज मेरे को बहुत बढ़िया लगी, इसे मैं दूंगा 8 out of 10। लेकिन अभी भी हमारे पास आधे से ज्यादा इमेज बच रखी है, तो अभी इन्हें भी हमें ट्राई करना है। यह सब मेरे को लगेगा यहाँ पे हमारी शेडो ब्रांड की इमेज, एंड इसके लिए मेरे को लगेगा मैलेट, एंड इसका भी मेरे को अभी फिर से नहीं पता कि आखिर ये मैं कैसे ले सकता हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं। अभी हम जाते हैं वर्ल्ड के अंदर एंड थोड़ी सी रिसर्च करके आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मेरे को पता चला है अगर मेरे को मैलेट चाहिए तो फिर मेरे को हराना पड़ेगा एक डीमन बैट को, जो कि मेरे को आगे जो मेरे को विलेज दिख रहा है यहाँ पर मिलेगा। एंड या इसके लिए मैं जो है हमारी एंडर ब्रांड की पावर यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं यूज कर लेता हूँ हमारा मिस्टिकल बीस्ट एम्बर, एंड या इससे मेरे हाथ पास देखो ऐसे कुछ आ जाता है, और अब मेरे पास जो है नए नए अटैक्स भी आ चुके हैं। एंड ये रहा हमारा डीमन बैट, तो ये मेरी तरफ देख भी रहा है अभी। ओके, ये ले। ऑलराइट, तो इसकी मैंने जो है बहुत तगड़ा अटैक किया है, एंड ये मेरे ऊपर अजीब अजीब से ज़ॉम्बीज छोड़ रहा है। एंड ये हीरो ब्रांड है क्या, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरे को लग रहा है एक नॉर्मल ज़ॉम्बी है। और ये मेरी एनर्जी वेव, ओके ओके, इसकी मैंने आधी हेल्थ ले ली इस अटैक से, लेकिन इससे जो है मेरी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी गई, एंड मेरे को अपनी एनर्जी बचा के रखनी पड़ेगी क्योंकि मेरी अगर ये जो एनर्जी दिख रही है सारी की सारी अगर खत्म हुई तो फिर मैं वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी मेरी। ओके, लाइटनिंग स्ट्राइक। ओके, इसके पहले छोटे मोटे इन ज़ॉम्बीज को मारता हूं मैं। ओके, ये ले मेरे शॉक वेव, वो ओके ओके, ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को दोबारा से नौजिया मिल रहा है। ओके, इसके हीरो मैं इसको पहले मारूं मैं, ये ले, नाइस नाइस, ये ले, और ये ले मेरी एनर्जी वेव, एंड इस अटैक के साथ में ये खत्म। नाइस भाई, लेट्स गो, एंड देखते हैं इसने क्या ड्रॉप किया यहाँ पर। लेकिन उससे पहले इसके छोटे मोटे इन ज़ॉम्बीज़ को भी मैं मार देता हूँ। ये ले नॉकबैक अटैक, एंड या इन्हें बहुत ज़्यादा इजीली मैं मार सकता हूँ। एंड या ये रहा हमारा मैलेट, तो इसे मैं जल्दी से हमारा उठा लेता हूँ। एंड या एक बहुत बड़ा हथौड़ा है बेसिकली, एंड जिसके पास में भी रहता है वो इमॉर्टल रहता है। तो अब मैं काम करता हूँ, जल्दी से पहुंचता हूँ हमारे घर पे, एंड इस मैलेट को डालने का देखता हूँ कि आखिर हमारा शेडो ब्रायन रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ओके, सो या बैग, अब जल्दी से हमें हॉपर के अंदर ड्रॉप करना हमारा मैलेट, एंड अब देखते हैं आखिर हमारा शेडो ब्रायन रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ऑलराइट, तो ये हमारे शेडो हीरो ब्रायन की रियल लाइफ इमेज, एंड तुम लोग देख सकते हो भाई इसकी आंखें जो है व्हाइट ग्लोइंग है। एंड या इसके आसपास का बैकग्राउंड देखो भाई कितना ज्यादा क्रीपी सा लग रहा है, एंड देखा जाए तो ये सही में एक्चुअल में शेडो ब्रायन जैसा कुछ कुछ लग भी रहा है। तो यार तुम लोग को क्या लग रहा है मेरे को बताना जरूर। एंड या अब बारी हमारे डायमंड हीरो ब्रायन की, जिसके लिए मेरे को लगेगी डायमंड डिस्क, तो इसे जल्दी से हम एक्वायर करने चलते हैं। वैसे तुम लोगों ने अगर नोटिस ना किया हो, लेकिन मैं थोड़ा बहुत पार्कोर भी कर सकता हूँ यहाँ पे बिल्कुल ऐसे। ओके, देखो मैं कैसे यहाँ पे चढ़ चुका हूँ बिल्कुल, और अब एक फ्रंट फ्लिप मार के मैं यहाँ पे ड्रॉप भी ले लेता हूँ। आउच, थोड़ी सी लगी। ऑलराइट, तो ये जो क्रीचर दिख रहा है इसे मेरे को हराना पड़ेगा हमारे डायमंड डिस्क को एक्वायर करने के लिए। ओके, ये मेरे पे अभी से अटैक कर रहा है, मैं काम को तो अपना स्पेशल एक बीस्ट निकालता हूँ अपने अंदर से। एंड या ये वाला जो बीस्ट ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, ये ले। ओके, मैं अपनी स्टार पावर एक्टिवेट करता हूँ, इससे पूरा मैं कर देता हूँ 100%। एंड अब ये ले। ओके, तो अब मेरे पंचेस का इंपैक्ट भी बहुत ज्यादा हो चुका है। ये ले मेरा नॉकबैक अटैक। ऑलराइट, डैम, देखो भाई कितनी दूर दूर जाके उड़ रहा है ये। और ये ले बैरेज अटैक। ओके, इससे मेरे को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ओके, ये जो मेरा बीस्ट है यही जाएगा इस पर अटैक करने। ओके ओके, नाइस।
टीले अटैक और नाइस भाई मैंने इसे फाइनली हरा दिया है। और गाइस ये रही हमारी डायमंड डिस्क, तो इसे मैं जल्दी से यहाँ पे उठा लेता हूँ एंड इसे लेके चलते हैं वापस एंड अब देखते हैं आखिर हमारा डायमंड हीरो बैन रियल लाइफ में कैसे दिखता है। ओके सो वी आर बैक, अब जल्दी से मैं इसका डाल देता हूँ हमारी डायमंड डिस्क एंड अब देखते हैं आखिर हमारा डायमंड हीरो बैन रियल लाइफ में कैसे दिखता है। ऑलराइट गाइस तो ये रहा हमारा डायमंड हीरो बैन एंड तुम लोग देख सकते हो पूरा पूरा ब्लू है एंड यार मैं बहुत ज़्यादा अमेजिंग, मतलब मेरे को तो ज़रा अजीब लग रहा है ना, मैं इतने सारे हीरो बैन देख चुका हूँ आज की वीडियो में जितना मैंने सोचा नहीं था कि इतने एग्जिस्ट भी करते होंगे। बट यार ये है हमारा डायमंड हीरो बैन एंड यार अब मेरे को अब बस चार और हीरो बैन को अनलॉक करने हैं। तो अब हमारा अगला हीरो बैन निकल के आता है ट्रू हीरो बैन जिसका आधा शरीर जो है एंडर में एंडर ब्रायन जैसा है एंड या इसके हाथ में एक बीस्ट क्लॉ भी है। तो ये वाला जो है मेरे को हीरो बैन देखना है ये रियल लाइफ में कैसा दिखेगा और मेरा गैस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक ही दिखने वाला है। तो अब मेरे को लगेगा यहाँ पे वॉइड आइटम, तो ओके अब हम लोग जो है इस वॉइड आइटम को कलेक्ट करने चलते हैं। ऑलराइट गाइस तो अगर मेरे को वॉइड आइटम चाहिए तो फिर मेरे को इस वाले मॉब को हराना पड़े जो कि वहां पर है, लेकिन मेरे को इससे थोड़ा बच के रहना पड़े क्योंकि ये मेरे को बहुत आराम से सेंस कर सकता है। एंड एक मिनट ये कहाँ गायब हो गया, ओके ये यहीं कहीं पे छुपा हुआ है, ये बस मेरे को एक बार देख लेना, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। ओके ओके तुम लोगों ने देखा इसकी स्पीड कितनी ज्यादा तेज है एंड ये ले मेरा रूट अटैक। ओके ये कुछ ना कुछ अटैक करने वाला है यहाँ पर। ओके इसकी स्पीड और भी बहुत ज्यादा तेज होती जा रही है, तो फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे बनाता हूँ एक वुडन बॉल अपनी एंड ये ले। ओके ये इसका एरिया है तो फिर बहुत ज्यादा मेरे को यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तो मैं क्यों ना इस एरिया को अपना एरिया बना लूँ बिल्कुल ऐसे। ओके तो मैंने इस पूरे एरिया को सुखा दिया है एंड अब ये जो एरिया पूरा मेरा बन चुका है एंड ओके ये अपनी दूसरी फॉर्म में आ चुका है। और राइट ये बिल्कुल एक एंडरमैन जैसा लग रहा है एंड ओनो रुको मुझे अपना स्पेशल अटैक दोबारा मारना पड़ेगा, कहाँ गया। ओके 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 ये ले एंड नाइस। ओ वेट पिछली बार तो ये मर गया था, इस बार क्यों नहीं मरा, रुको एक बार दोबारा से फ्लावर ऑफरिंग करता हूँ मैं, ये ले। ओके ओके नाइस 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 ये अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ चुका है। ऑलराइट तो इसका इस वाले अटैक से मेरे को थोड़ा बच के रहना पड़ेगा जब ये पूरे एरिया को अपना बना लेता है। ओके तो मेरे को इसके ऊपर प्रोजेक्टाइल से बिल्कुल ऐसे शूट करना पड़ेगा तभी जाके कुछ काम करने वाला है अटैक, नहीं तो नहीं करने वाला। व्हाट ये मेरे को एक जब भी फ्रीज कर देता है। ओके ये ले मेरे दोबारा से प्रोजेक्टाइल अटैक एंड ओके से मेरे को दोबारा से थोड़ा बहुत डैमेज करना पड़ेगा बस ये अपना डोमेन ना खोले। ओके ये ले मेरे नॉर्मल अटैक, ओ नो इसने फिर से वही अटैक कर दिया। ओके ये ले बैरेज अटैक, ये क्या हुआ, मैंने कुछ किया नहीं बट ऑटोमेटिकली वो मर गया। बट एनीवेज क्या दिक्कत है, देखता हूँ मेरे को वॉइड आइटम मिला या फिर नहीं। वेल यार ये रहा हमारा वॉइड कोर, तो इसे मैं जल्दी से यहाँ से उठा लेता हूँ एंड अब चलते हैं दोबारा से एंड देखते हैं कि आखिर हमारा ट्रू हीरो बैन रियल में कैसा दिखता है। ओके तो ये हम आ चुके हैं हमारे इमेज के पास में, इसके अंदर मैं डालता हूँ हमारा वॉइड आइटम एंड देखते हैं आखिर हमारा ट्रू हीरो बैन रियल में कैसा दिखता है। ओके तो ये है आज की हमारी सबसे ज्यादा क्रीपी इमेज हमारे ट्रू हीरो बैन की एंड देखो भाई इसकी आंखें बिल्कुल लाल हैं एंड ऊपर से ये हीरो बैन लग भी नहीं रहा है। वेल जो भी कोई काफी ज्यादा क्रीपी इमेज है तो ये एक्चुअली में ट्रू हीरो बैन की फॉर्म है एंड अब बस केवल तीन ही और हीरो बैन की इमेजेस बची हैं, तो लेट्स गो भाई इन्हें जल्दी से हम लोग अनलॉक करते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे गॉड हीरो बैन के लिए हमें लगेगी गॉड स्वॉर्ड और ये गॉड स्वॉर्ड को पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि मुझे पता ही कैसे मिलने वाली है। ओके तो मैं ट्रू हीरो बैन की इमेज अनलॉक करने मेरे पास काफी सारी पावर्स आ चुकी हैं एंड अब जो है हम उन्हें हमारे पहले टारगेट के ऊपर ट्राई करने वाले हैं जो कि इस घर के अंदर रहता है। तो किस जल्दी से हम खोलते हैं एंड बोरा, ओके ओके गेट बंद करो, नाइस 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 ओके ओके सो यार मैं इसके ऊपर थोड़ी बहुत अटैक करने की कोशिश करता हूँ। ओके सो मैंने इसे अपना पॉइजन अटैक से, सो मेरी जितनी भी पावर्स आ चुकी है वो सारी की सारी पॉइजन रिलेटेड है एंड ओके मैं यहाँ पे टेलीपोर्ट भी कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर जाके। ओके तो यहाँ पे पूरा बायोम बहुत ज्यादा ओपन है तो मैं इससे आराम से लड़ सकता हूँ, रुको एंड ये ले। ओके सो यहाँ पे मैंने अपने हाइड्रा ड्रैगन्स निकाले एंड इसको और ज्यादा पॉइजन अटैक मिल चुके हैं। ओके ये ले मेरे पॉइजन बीम एंड इसके अंदर जितने भी मेरे एरिया के पास आता जाएगा उतना इसे डैमेज मिलता रहेगा। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मेरे अटैक्स का सुपर असर नहीं हो रहा है। ओके तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है तो इसे मेरे को जल्दी हराना पड़ेगा एंड ओके इसकी जो है फायर स्वॉर्ड निकल चुकी है, मतलब अपनी फाइनल फॉर्म में आ चुका है एंड ओ नो ओके मैंने इसे फाइनली हरा दिया है एंड अब मैं जो अपनी इस पावर को बंद कर सकता हूँ। नाइस ओके नाइस ओके सो वी आर बैक, अब इसके अंदर जल्दी से मैं अपनी गॉड स्वॉर्ड को ड्रॉप करता हूँ एंड अब देखते हैं आखिर हमारा गॉड हीरो बैन रियल में कैसे दिखता है। ओके तो ये हमारी गॉड हीरो बैन की रियल लाइफ इमेज एंड तुम लोग देख सकते हो भाई कितना ज़रा, मतलब इन सबसे डिफरेंट लग रहा है, जहाँ बाकी सारे हीरो बैन इतने सारे डरावने लग रहे हैं वैसे ये बहुत ज़्यादा एंजल टाइप में लग रहा है। तो यार ये था हमारा गॉड हीरो बैन, अब बस दो ही हीरो बैन बचे, एक तो हमारा डेविल हीरो बैन और दूसरा हमारा ओमनीपोटेंट हीरो बैन। ओके सो हमारे डेविल हीरो बैन की रियल लाइफ इमेज देखने के लिए हमें लगेगा हाइड्रा हेड। तो बेसिकली एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो कि एक एंडर ड्रैगन जैसा होता है लेकिन उससे काफी ज्यादा बड़ा होता है साइज के अंदर और वो यहीं के पास ही एक बायोम में मिलने आला है मेरे को, तो फिर मैं जल्दी जाके उसे हरा के आता हूँ। ओके तो ये रहा हमारा हाइड्रा जो कि यहीं पे ऐसे खड़ा हुआ है एंड इसने मेरे को देख लिया फाइनली, तो यार इसे हराना बहुत ज्यादा ईजी होने वाला है। ओके ये ले एंड ओ नो इसने मेरे को मुंह में दबा लिया था अपने,
हाँ तो ये कभी कभी ऐसा करते हैं तो इनसे मेरे को बच के रहना पड़ेगा एंड या इसे मारना बहुत ज्यादा इजी था। तो अब एक काम करते हैं, इसकी जल्दी से स्किन निकाल लेते हैं यहाँ पर एंड यहीं पे मेरे को इसका हेड भी मिल जाने वाला है एंड यहीं पे मुझे इसका हेड भी मिल सकता है क्योंकि इसके बोन सबसे पहले निकालता हूँ एंड या मुझे इसका स्कल मिल चुका है यहाँ पर। तो इसे मैं जल्दी से लेके वापस चलता हूँ एंड देखते हैं कि आखिर हमारा गॉड हीरो मैन रियल में कैसा दिखता है। ओके सो वी आर बैक एंड अब मैं जो है इसके अंदर जल्दी से डाल देता हूँ हमारा हाइड्रा का स्कल एंड अब देखते हैं आखिर हमारा डेविल हीरो मैन रियल लाइफ में कैसा दिखता है। ऑलराइट तो ये है इमेज हमारी डेविल हीरो मैन की एंड तुम लोग देख सकते हो ये कितना ज्यादा बैडएस लग रहा है, बिल्कुल एक वॉरियर की तरह एंड भाई देखो इसके विंग्स भी हैं बिल्कुल एक डेविल की तरह एंड या ये बहुत ज्यादा अमेजिंग इमेज है। बाकी तुम लोग मेरे को अभी के भी बता सकते हो तुम्हें कमेंट में इनमें से सबसे ज्यादा अच्छी इमेज किसकी लगी एंड या अब हम लोग को अनलॉक करनी है हमारी ओमनीपोटेंट हीरो मैन की इमेज जिसके लिए हमें लगेंगे साइक्लोप्स एंड साइक्लोप्स आए तो बहुत ज्यादा आसानी से मेरे को मिल सकती हैं क्योंकि हमारे जो पीछे वाला विलेज है ना उसके ऊपर अभी अभी एक साइक्लोप्स ने अटैक किया है। ओके चलो जाते हैं हमारे साइक्लोप्स के पास में, इसके ऊपर मैं करता हूँ एक स्पीड अटैक एंड ऑलराइट कहीं इतने में तो नहीं मर गया। ओके बच गई अभी भी। ओके ये ले मेरे दोबारा से स्पीड अटैक एंड या मैंने इसे नॉर्मली अपने हाथों का यूज करके मार दिया है लेकिन इससे हमने आई ड्रॉप नहीं कि कहाँ है इसकी आए। ओके ये रही हमारी आई ऑफ साइक्लोप्स तो इसे मैं जल्दी से यहाँ पे लेके चलता हूँ एंड या अब इसी के अंदर मैं ड्रॉप कर देता हूँ एंड अब देखते हैं आखिर हमारा ओमनीपोटेंट हीरो मैन रियल में कैसा दिखता है। ओके तो ये है इमेज हमारी ओमनीपोटेंट हीरो मैन की एंड देखो भाई ये एक बहुत ज्यादा सेलेस्टियल एंटिटी लग रहा है एंड या ये बिल्कुल ओमनीपोटेंट हीरो मैन माइनक्राफ्ट में जैसे दिखता है वैसे कुछ कुछ रियल लाइफ में भी दिख रहा है। तो इसी के साथ ये थी आज की हमारी सारी की सारी इमेजेस। तो अगर तुम लोग को इमेज अच्छी लगी तो बताना मेरे को कमेंट के अंदर एंड अब अगर और माइनक्राफ्ट मॉब्स की रियल लाइफ इमेज देखने तो भाई लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो नहीं तो माइनक्राफ्ट के रियलिस्टिक ग्राफिक्स देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। एंड इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।